तो हेलो गाइस, अपने अपनी मोटो व्लॉगिंग के लिए ये मंगाया कैमरा कैसोन का, ये चेक कीजिए। इसका वारंटी कार्ड या कुछ भी कार्ड वार्ड मान लो, वारंटी तो नहीं है इसकी। ये कुछ कैसा कुछ कैमरा है, इसको इधर फेंक कर यार पहले। ये कैसोन कंपनी का है, अब ये देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले से ही कर चुका हूँ मैं अनबॉक्सिंग तो इसकी। तो ये कुछ इसके मेन्यू कार्ड है ये देख लो, और कैमरा ये है। तो इसको रखते हैं अपन साइड पे, पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो इसमें से सीरीज बहुत सारी आती है, ये देखो ये वाटर प्रूफ कैसे है, ये कुछ है चिपकाने, ये हैंडल माउंट है, ये व्लॉगिंग करने के लिए, ये साफ करने के लिए, और इसमें ये भी माउंट वगैरह है, और ये एक्स्ट्रा बैटरी है, एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है, और माइक वगैरह भी मिलते हैं, और एक ये भी मिलता है। तो इस यहाँ पे दूसरा मुँह दूसरा है, वो माइक लग जाएगा, और इधर ये कैमरे में लग जाएगा। तो अपन आते हैं अपने कैमरे की तरफ, अपना कैसोन का कैमरा देख लो। तो इसको ऐसे खुलता है, ये वाटर प्रूफ केस के अंदर है, ये देख लो कुछ ऐसा आता है, और ये यहाँ से चालू होगा, स्टार्ट होगा, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे मोड है, ये देख लो, रिकॉर्डिंग है, 4K से शूट होता है, और एंगल भी है, वाइड एंगल भी है, वाइड एंगल पे चल रहा है, साउंड भी है, कोई सा भी कर सकते हैं। और इधर अगर सेल्फी वेल्फी लेनी है, फ़ोटो वोटो लेना है, तो ये यहाँ से बटन दबाना, ये कैमरा मोड फोटो मोड पर चला जाएगा, और ये वाइड एंगल मिलेगा। अब ये दो सेटिंग है, ये वीडियो की सेटिंग है, और ये इसको ओके करेंगे तो यहाँ से फ़ोटो खिंचा जाएगा। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इसकी, ये आपको फ़ोटो भी चेकआउट करा देता है यार। ये देखो कुछ ऐसा फ़ोटो आता है इसका, तो ये चल जाती है, ऐसा कैमरा है कुछ इसका। ये देखो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ये देख लो, ये पैकिंग वगैरह है, ये मेन्यू कार्ड है, ये जिसने भेजा है उसका वो है, और ये कैसोन का कैमरा है। और इसकी प्राइस है बिल्कुल 10,000 रुपये, 10,000 में तुम्हें ये मोटो व्लॉग सेटअप मिल जाएगा। मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा, रात की दिन की पूरी वीडियो डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो ये अपना कुछ ऐसा कैमरा था, तो इसको सारे मोड दिखा दूंगा मैं अभी। अभी इसको बंद करते हैं, और ये कुछ ऐसे माउंट वगैरह दे रखे हैं, मुझे कुछ समझ में आ नहीं। तो गाइस इसको ये स्टार्ट होने के बाद ये कैसोन आ जाता है, और इसकी एक डिस्प्ले है, रही डबल डिस्प्ले एक इधर है। तो अपन को इसको स्टार्ट करने के लिए मोड़ का बटन दबाना है 2 सेकंड के लिए, तो ये आगे भी आ जाएगा, ये देख लो, चेकआउट कीजिए। इसमें ये माउंट भी फिटिंग कर रखा है, ये इसी में ही आया था। तो इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके, और ये यहाँ पर एक लॉक दे रखा है, ये पूरा बोलना चाहिए तो कैमरा गिर जाएगा। और ये माइक का भी इधर लगा दो। ये पूरा सेटअप अपना तैयार हो चुका है, मैंने इसकी पूरी अंडरग्राउंड निकाल रखी है इधर, वो माइक ये रहा। तो मैं आपको फोटो शूटे सब दिखा दूंगा, ये अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप बन चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी ऐप पर न्यू वीडियो के साथ। आज अपन ने कैमरा वैमरा का फिटिंग कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा दूर जाऊँगा, ज़्यादा दूर ले जाऊँगा, लेकिन दूर भी है इसमें।
तो मैं कैमरे में माइक चालू करना भूल गया था तो अब हुआ है भाई। ये गाड़ी बहुत हीट होती है यार, इसमें वाइड एंगल भी है, इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। कैसा क्या कुछ है वो, मुझे मैं विली मार सकता हूँ उस पर। पीछे कोई तो नहीं आ रहा है ना, इसको तो देखना ही पड़ेगा। अब इधर से बनाऊंगा मैं इसको, विली भी मार सकता हूँ, विली मारूंगा देखना। अभी पहले पीछे से गई थी, रह चुकी है बस थोड़ी। ये अच्छी है यार ये गाड़ी, पूरी ये रही अपनी गाड़ी। तो कैसा क्या आ रहा है, मैं एक ही तो दिखा देता हूँ, मेरा पूरा वो फोकस मोटो व्लॉगिंग पे है। वो कुछ मुझे सिस्टम वगैरह देख लेने, इसमें वाइड एंगल है, अपनी बजट से सही है, तो मैं ये नहीं ला। हवा ज्यादा आ रही है अंदर से, तो कुछ लगाना पड़ेगा मुझे, इससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी आएगी और अच्छी वीडियो भी बन जाएगी और आपकी वॉइस भी सही रहेगी। ऑफरोडिंग करते हैं, कौन कहता है भाई ऑफरोडिंग नहीं होती केटीएम से, आरसी से। फिर ये भाई ये देख, अभी व्हीली भी मारूंगा। ये देखो पीछे है, अभी व्हीली भी मारूंगा मैं। अभी देख तुम अकेला ही सही हो अपनी जिंदगी में। अभी मैं पुलिस दुनिया है मच दी जो बार में वीडियो को भी चेकआउट कर लेता हूँ जी कि वीडियो कैसी आ रही है जी, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा नहीं है, रहा भी नहीं है भाई। तो अपनी केटीएम सामने, बंदे लोग भी नहीं दिख रहे मुझे, ऐसा क्या यार। भाई साहब तो मैं हेलमेट लेकर निकल चुका हूँ टेस्ट ड्राइविंग के लिए, ये कैमरा गिर ना जाए, मेरी फटी पड़ी है भाई। भाई आवाज तो बहुत बुरी आ रही होगी मुझे पता है, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं। ओके तो ये एम्बुलेंस आ रही है सामने, तो ये अपना कैमरा, तो इसको थोड़ा लूज करके थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब कहाँ का व्यू आएगा मुझे भी पता नहीं है। तो बाइक अपनी ये रही, अब मैं गाड़ी को घुमा के फिर से घर की साइड निकल रहा हूँ, क्योंकि इधर की घंडियाँ फट रही अपनी। भाई क्या आवाज आ रही है बाइक की, ओपन द चैट मेरी जान, सबसे चूतिया वाली वो आ रही है इसमें फीलिंग मुझे, सबसे गंदी। तो चेकआउट करते हैं क्या सीन है क्या नहीं।